नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अब आज की जो डिस्कशन है हमारी वो इस टॉपिक पर है कि एक मैरिड वुमन के अपने इन-लॉज या अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी में क्या राइट्स होते हैं। अब जो शादी जो होती है, एक हम तो उसको एज अ सेलिब्रेशन समझते हैं, एज अ एक एक लाइफ का एक इंसिडेंट या एक माइलस्टोन समझते हैं, पर इन द सोसाइटी जो शादी है वो बहुत सारे राइट्स क्रिएट करती है लीगली, बहुत सारी ड्यूटीज क्रिएट करती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करती है। तो फ्रॉम अ सोशियो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू शादी जो होती है इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लाइव्स ऑफ बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ, ना केवल हस्बैंड एंड वाइफ, इन द लाइफ ऑफ द फैमिलीज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ। शादी एक सिर्फ एक वाक्य या एक एक हैपनिंग नहीं है किसी भी इंसान के लाइफ में, शादी एक इंस्टीट्यूशन है। इसे इंस्टीट्यूशन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शादी से काफ़ी सारे राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं। अब कई लोग शादी को बहुत नॉन सीरियस तरीके से लेते हैं, उन्हें लगता है क्या है, शादी कर लेंगे, हमें जो दूसरे साइड जिनसे हमने शादी करनी है, लाइक फॉर इंस्टेंस लड़के को लगता है हमें लड़की अच्छी लगती है तो चलो हम शादी कर लेते हैं, भगा के शादी कर ली। पर वो ये उस मोमेंट पे शायद नहीं समझते कि ये शादी जो कर ली है इससे बहुत बड़ा एक लीगल इम्प्लीकेशन पड़ेगा उनकी लाइफ पे, फॉर द हस्बैंड एंड द वाइफ। वाइफ पे भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं शादी से, लीगली स्पीकिंग, लाइफ पे इस हस्बैंड पे भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं शादी करने पे। तो उसमें से एक एस्पेक्ट जो है राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस का, वो है राइट विद रिस्पेक्ट टू द इन लॉज प्रॉपर्टी या जो हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें एक मैरिड वुमन का क्या राइट होता है। तो उसको समझ लेते हैं। अब ऐसा है कि शादी हमारे कंट्री में जो कानून की व्यवस्था है, एज पर दैट द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि कई सालों से, कई सेंचुरीज से जो वुमेन है वो हमारी सोसाइटी की एक दबी हुई श्रेणी थी, एक ऑप्रेस्ड सेक्शन थी। वुमेन हमारी सोसाइटी में एक वल्नरेबल सेक्शन है। हमारे अर्बन सेंटर्स में तो ऐसा दिखता है कि जैसे जो वुमेन है वो मर्दों के साथ या विद द मेन फोक वुमेन कंधे से कंधा मिला के चलती है, एंड इन सम एस्पेक्ट्स वो उनसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी होती हैं और ज़्यादा अकम्प्लिश्ड भी होती हैं। बट अगर हम थोड़े पिछड़े एरियों में चले जाएं तो आज की डेट में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पे औरतों को, वुमन को बहुत ही ऑप्रेस करके रखा जाता है, बहुत ही जिसे कहते हैं एक ऐसे माहौल में रखा जाता है जो कि एक इंसान के वेलबींग के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे संविधान में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये मैं तो मानता हूँ कि ये जो संविधान में जो राइट है, ये राइट हर राइट का फाउंटेन हेड है, चाहे हम उसे संवैधानिक राइट्स बोल लें या स्टैट्यूटरी राइट्स बोल लें, सब राइट्स का ये एक फाउंटेन हेड है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जो पिछड़े इलाकों में जिन वुमेन फोक के साथ बुरा होता है, इट इज कॉन्ट्ररी, या ये उनका वो जो राइट है आर्टिकल 21 के अंदर उसको डिफीट कर देता है। तो इसी पर्पज से पार्लियामेंट ने सन 2005 में एक कानून लाया था, जिस कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये कानून 2005 का है। इस लॉ का उद्देश्य केवल इतना था कि जो वुमेन फोक हैं उन्हें सोसाइटी में प्रोटेक्शन मिले, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। जो कानून का नाम है उससे ही आपको इस लॉ के इंटेंशन का पता लग जाएगा। द नेम ऑफ द लॉ इज प्रोटेक्शन,
ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। अब प्रोटेक्शन और डोमेस्टिक वायलेंस पे मैंने खासा जोर क्यों दिया है, वो इसी वजह से क्योंकि ये कानून किसी को पनिश करने के उद्देश्य से नहीं है। इस कानून का उद्देश्य किसी को सजा देना या पनिश करना नहीं है। इस कानून का उद्देश्य केवल इतना है कि जो विमेन फोक हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, किससे? फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। अब अगर इस चीज को हम समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, द इंटेंशन ऑफ दैट लॉ इज टू पनिश द रॉन्ग डूअर। जो भी एक्यूज्ड पर्सन है, अगर वो किसी को किसी के अगेंस्ट कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करते हैं तो उसको हम विक्टिम कहते हैं। तो विक्टिम के अगेंस्ट अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है तो एक्यूज्ड को उसमें पनिशमेंट मिलती है अगर उसे गिल्टी पाया जाता है। तो द एम ऑफ द लॉ ऑफ इंडियन पीनल कोड इज टू पनिश द एक्यूज्ड पर्सन। बट इससे अलग होकर के जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है, उसका जो एम है पनिश करना नहीं है किसी को, उसका एम है वुमेन फोक को प्रोटेक्ट करना सोसाइटी में, उनको प्रोटेक्शन देना। तो आई होप दैट इज क्लियर कि जैसे अब आईपीसी में जब हम किसी के खिलाफ एफआईआर फाइल करते हैं तो उस पर एक धारा लगती है, काफी लोगों को पता होगा, सेक्शन 498A, विच डील्स विद क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन। अगर मान लीजिए इन लॉज वाइफ को मारते पीटते हैं या उन्हें परेशान करते हैं तो थाने में जाके कंप्लेंट करें तो एक जो धारा उस पर लगती है एफआईआर में वो होती है सेक्शन 498A। तो ये धारा लगने से क्या होता है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी और इन्वेस्टिगेट करके अगर पुलिस को वो जो एक्यूज्ड पर्सन हैं वो दोषी पाए जाते हैं तो चार्जशीट में वो ये कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट पूरा एक ट्रायल कंडक्ट करेगी, सबको सुनेगी, पार्टीज को, विटनेसेस को, विक्टिम को, सबको सुन करके कोर्ट को अगर लगता है कि उस वुमन के अगेंस्ट कुछ गलत हुआ है तो कोर्ट एक्यूज्ड पर्सन को सजा देगी, सजा सुनाएगी, उसमें सजा होगी। पर दिस वॉज नॉट सफिशियंट। ये अब जिस जो विक्टिम है, मान लीजिए उस रॉन्गफुल एक्ट की या उस क्राइम की जो विक्टिम है, उसको तो इससे कुछ नहीं मिला ना। अब जो एक्यूज्ड है उसको पनिशमेंट मिल गई, इन लॉज मान लीजिए अंदर जेल में चले गए फॉर वॉट एवर पीरियड, हस्बैंड जेल में चला गया, पर जो वुमन है जिनके अगेंस्ट ये गलत काम हुआ या जिनके जिनको मारा पीटा गया, उनको तो कुछ नहीं मिला ना। तो इसी चीज को एड्रेस करने के लिए 2005 का कानून बना था। तो इस 2005 के कानून में एक बहुत रेलेवेंट चीज है, अपार्ट फ्रॉम अदर ऑर्डर्स, 2005 का जो कानून है, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, उसमें अपार्ट फ्रॉम अदर ऑर्डर्स विच अ मैजिस्ट्रेट माइट पास टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी ऑफ वुमेन, वन ऑफ द ऑर्डर्स, एक ऑर्डर जो मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है वो है रेसिडेंस का ऑर्डर। सो एज पर दिस लॉ एक नया राइट क्रिएट हुआ, दिस राइट वॉज देयर, ऐसा नहीं है कि राइट पहले नहीं था, पर इसे अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया इस लॉ से। दिस राइट वॉज द राइट टू रेसिडेंस। अब राइट टू रेसिडेंस क्या होता है? राइट टू रेसिडेंस का मतलब यह है कि अगर कोई वुमन मैरिड है और उनका हस्बैंड जिस जगह में रह रहा है, चाहे वो उनका उनके फादर का मकान हो, मदर का मकान हो, चाहे वो उनका अपना मकान ना हो, चाहे वो हस्बैंड का मकान हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, चाहे वो कहीं पे टेनेंट हैं, चाहे वो किसी अपने दोस्त के घर पे रह रहे हैं, जहां पर भी हस्बैंड रह रहे हैं, वाइफ को वहां पे रहने का अधिकार है। सो दिस इज अ राइट टू रेसिडेंस। राइट टू रेसिडेंस क्रिएट हो जाता है शादी जब हो जाती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, और वाइफ अगर शादी के बाद हस्बैंड के साथ रहती है तो जहां पर भी वो वाइफ रह रही है तो वाइफ को हस्बैंड के साथ रहने का अधिकार है, और हस्बैंड की लायबिलिटी है, लायबिलिटी नहीं कहूंगा, ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड की एक ऑब्लिगेशन है टू प्रोवाइड हिज वाइफ विद अ रूफ ओवर हर हेड, अपने वाइफ के सर के ऊपर एक छत प्रोवाइड करने का हस्बैंड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कानून इसे रिकग्नाइज करता है। तो जैसे हमने कहा शादी कई सारी ऑब्लिगेशंस क्रिएट करती है, वन ऑफ द ऑब्लिगेशन दैट मैरिज क्रिएट्स इज कि हस्बैंड को अपनी वाइफ को रेसिडेंस प्रोवाइड करना है। सॉरी अब जब हम कहते हैं रेसिडेंस प्रोवाइड करना है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो उनके नाम पे प्रॉपर्टी खरीद के दें या उनको केवल अपने साथ रखें? अब जब हम राइट टू रेसिडेंस कहते हैं, इसमें
इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड को अपनी वाइफ के नाम पे उस प्रॉपर्टी को एक टाइटल देना है. मतलब ऐसा नहीं कि हस्बैंड एक सेल डीड से प्रॉपर्टी खरीद के अपनी वाइफ के नाम कर दें. दिस इज सफिशियंट कि वो एक अपनी दिस इज सफिशियंट कि वो अपनी वाइफ को एक सर्टी पर छत दे. अब ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो हस्बैंड और वाइफ अलग रह रहे हैं, या फिर मान लीजिए जुडिशियल सेपरेशन है. तो इन दैट केस हस्बैंड और वाइफ अगर अगर अलग रह रहे हैं, जुडिशियल सेपरेशन है, डिवोर्स नहीं, जुडिशियल सेपरेशन है, तो इन दैट केस द हस्बैंड इज लायबल या ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड अ रूफ ओवर द वाइफ हेड. अब चाहे वो उन्हें मकान खरीद के दे, चाहे वो उस मकान का रेंट पे करें, पर वाइफ को रेंट फ्री अकोमोडेशन हस्बैंड को एज पर दिस लॉ देना है. तो दिस इज व्हाट राइट ऑफ रेसिडेंस इज. राइट ऑफ रेसिडेंस का मतलब ये हुआ कि हस्बैंड को वाइफ के सर के ऊपर छत प्रोवाइड करने की ऑब्लिगेशन है. अब जहां हस्बैंड रह रहे हैं, चाहे वो वहां पर प्रोवाइड करे, और अगर उनके रिलेशंस अच्छे नहीं है तो वो कहीं और प्रोवाइड करें, पर राइट ऑफ रेसिडेंस वाइफ को दिलाना है. और इसी के साथ मैं ये क्लैरिफाई भी कर दूं कि राइट ऑफ रेसिडेंस का मतलब ये नहीं है कि उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी करेंगे. हाँ, ये हो सकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस हस्बैंड के खिलाफ फाइल हुआ हो, वाइफ ने फाइल किया हो हस्बैंड और इन लॉज के अगेंस्ट, और दोनों के बीच में एक सेटलमेंट हो जाती है. जज साहब मैटर को मीडिएशन में रेफर कर देते हैं, और मीडिएटर जो है दोनों पार्टीज के बीच में, हस्बैंड वाइफ और वाइफ के जो इन लॉज हैं उनके बीच में एक सेटलमेंट बना देते हैं, जिसमें वाइफ कहती है चलो मैं डोमेस्टिक वायलेंस केस विड्रॉ करूंगी, और हस्बैंड कहते हैं मैं एक्स वाई जेड चीजें वाइफ को दूंगा. अब एज पर दोज टर्म्स हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम अगर कोई मकान करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बिकॉज सेटलमेंट में कोई मापदंड नहीं होता. सेटलमेंट का मतलब क्या है? मैं कहता हूं कि आप मेरे को 100 रुपए के देनदार हैं, आपने मुझे 100 रुपए देने हैं. अब मैं कोर्ट में एक केस फाइल कर देता हूं. जज साहब कहते हैं चलो ठीक है, आपने किसी फलाने बंदे के खिलाफ 100 रुपए का क्लेम डाला है, पर मीडिएशन करके देख लो. अब मीडिएशन में जाते हैं तो जो दूसरी पार्टी आती है वो कहती है मैं 100 रुपए तो नहीं दे सकता, पर मैं आप 90 रुपए दे सकता हूं, तो मैं अग्री कर जाता हूं. तो अगर मैं वो अग्री कर जाता हूं तो दैट इज अ बाइंडिंग सेटलमेंट. वो एक कोर्ट के ऑर्डर के तहत डील किया जाएगा, और उस सेटलमेंट अग्रीमेंट पे कोर्ट ऑर्डर पास करेगा. अब वो 90 रुपए पे मैं अग्री किया हूं, मैं चाहे तो 10 रुपए में भी अग्री कर सकता हूं, मैं चाहे तो 0 रुपीज में भी बिना किसी चीज के सेटलमेंट करूं, और मैं कहूं चलो ठीक है मेरा जो भी क्लेम है मैं अपना क्लेम को फोरगो करता हूं, या मैं इसे कोई पैसे रिसीव नहीं करता हूं, येट इट इज डीम्ड दैट ही हैज पेड हिज लोन. तो सेटलमेंट का मतलब यह है कि पार्टीज आपस में जो भी चीजें सेटल करें वो दैट इज अप टू द पार्टीज, एंड दैट इज अ बाइंडिंग. अब सेटलमेंट जब एक डिक्री या ऑर्डर बन जाता है उसका पार्ट बन जाता है, सेटलमेंट को जब डिक्री या ऑर्डर का पार्ट बना लेते हैं तो डेट सेटलमेंट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ऑर्डर. उसका वही फोर्स होता है जो कि एक ऑर्डर का होता है, और अगर उसको उसका कोई उल्लंघन करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है. तो जब हस्बैंड और वाइफ का डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, अगर मैटर मीडिएशन में जाता है, तो अगर हस्बैंड अग्री करता है या इन लॉज अग्री करते हैं कि चलो ठीक है वी आर रेडी टू पे टू प्रोवाइड द वाइफ विद एन अकोमोडेशन, उनके नाम करना है, तो दैट इज अप टू द पार्टीज, वो तो सेटलमेंट में कर सकते हैं. पर जो कानून की रिक्वायरमेंट है इट इट गेट्स फुलफिल्ड प्रोवाइडेड द हस्बैंड प्रोवाइड्स अ रेंट फ्री अकोमोडेशन टू द वाइफ. मतलब वाइफ को कुछ खर्चा नहीं होना चाहिए, वाइफ का कुछ एडिशनल कोई चीज उनको नहीं देनी पड़ेगी. राइट टू रिसाइड इन एन अकोमोडेशन इज हर राइट, इज द वाइफ्स राइट. तो आई होप आई एम क्लियर कि जो वुमन है, मैरिड वुमन जो है, उनको शादी के बाद अपने हस्बैंड या इन लॉज की प्रॉपर्टी में क्या राइट मिलता है. इसके अलावा सक्सेशन का जो राइट होता है, सक्सेशन का राइट डायरेक्टली नहीं मिलता. मतलब इन लॉज की प्रॉपर्टी में वाइफ का डायरेक्टली सक्सेशन से कुछ नहीं मिलता है उन्हें. वाइफ को मिलेगा जब हस्बैंड की डेथ होगी, और हस्बैंड के नाम पे अगर कुछ प्रॉपर्टी होती है तो वाइफ और बच्चे जो होते हैं उनको मिलता है. बट दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ डिफरेंट ऑफ अ डिफरेंट डिस्कशन. वो अगर इसमें समझाने जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा डिस्कशन, और इट विल नॉट बी वेरी हेल्पफुल या बेनिफिशियल. उसे हम किसी और डिस्कशन पर डिस्कस करेंगे. तो टू सम अप, जो मैरिड वुमन्स राइट इन द हस्बैंड और द इन लॉज प्रॉपर्टी इज द राइट टू रिसाइड. राइट टू रिसाइड मिलता है शादी से वाइफ को, और इसके अलावा
जो सक्सेशन का राइट है वो तब मिलता है अगर हस्बैंड के नाम पे कोई प्रॉपर्टी और हस्बैंड की डेथ हो जाए, बट दैट इज समथिंग विल डिस्कस इन अ डिफरेंट टॉपिक ऑन इन अ डिफरेंट वीडियो. और आई होप दैट आई वॉज क्लियर विद रिस्पेक्ट टू राइट टू रिसाइड विच द वुमन गेट्स आफ्टर हर मैरिज विद द हस्बैंड. सो विद दैट ये डिस्कशन का एंड होता है, वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन. आई होप कि आपको ये डिस्कशन यूजफुल लगा, मीनिंगफुल लगा. और अगर आपके कोई भी डाउट्स या कमेंट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. वील ट्राई टू आंसर इट, वील ट्राई टू फाइंड अ रेजोल्यूशन टू इट. एंड विद दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ वेरी हेल्दी एंड अ पीसफुल लाइफ. नमस्कार.